कहते हैं जल ही जीवन है और इस जल के बिना जीना मुमकिन नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पानी के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ा? एक वक्त वो भी था कि जब मैं और मेरे जैसे करोड़ों लोग इस पानी को ऐसे छू भी नहीं सकते थे। आज से 95 साल पहले इस जल की भी जाति हुआ करती थी। नदियां, तालाब और कुएं जातियों के हिसाब से बटे हुए थे। सवर्ण जाति के लोगों के पास पानी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दलित अछूत कही जाने वाली जाति के लोग बूंद बूंद के लिए मोहताज हुआ करते थे। लोग प्यास से मर जाते थे, लेकिन जातिवादी उनके हलक से पानी की एक घूंट भी नहीं उतरने देते थे। उन तालाबों से कुत्ते बिल्ली से लेकर गाय भैंस तक सब पानी पी सकते थे, लेकिन किसी दलित को पानी पीने का हक नहीं था। लेकिन ब्राह्मणवादियों ने जो पानी का बंटवारा किया था, इंसान और इंसान में भेद किया था, उस घटिया प्रथा और मनुवादी सोच के खिलाफ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा विद्रोह किया कि मनुवाद की जड़ें हिल गई। तारीख थी 20 मार्च 1927, दोपहर का वक्त था। सूरज की किरणें तालाब के पानी पर पड़ती तो वह चमक उठती। तालाब की सीढ़ियों से एक हुजूम नीचे उतर रहा था। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर तालाब की सीढ़ियों से नीचे उतरे। उन्होंने नीचे झुककर अपने हाथ से पानी को टच किया। यही वो ऐतिहासिक पल था जिसने एक क्रांति को जन्म दे दिया। यही वो पल था जिसने इंसान और इंसान में फर्क करने वाली घटिया सोच पर सबसे करारा वार किया था। भारतीय इतिहास में यही वो पल था जिसने भारत को असल मायनों में एक राष्ट्र बनाने की नींव डाली थी। भारतीय इतिहास की इस महान घटना ने करोड़ों अछूतों को इंसान होने का दर्जा दिलाया था। अंग्रेजी शासन काल में सन 1924 में महाराष्ट्र के समाज सुधारक एसके बोले ने बंबई विधानमंडल में एक विधेयक पारित करवाया, जिसमें सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं जैसे अदालत, स्कूल, हॉस्पिटल, पनघट, तालाब जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अछूतों को प्रवेश और उनके उपयोग करने का आदेश दिया गया। कोलाबा जिले के महाड़ में स्थित चवदार तालाब में ईसाई, मुसलमान, पारसी, पशु, यहां तक कि कुत्ते भी तालाब के पानी का उपयोग करते थे, लेकिन अछूतों को यहां पानी पीने की भी इजाजत नहीं थी। लेकिन सवर्ण हिंदुओं ने नगर पालिका के आदेश को भी मानने से इनकार कर दिया। विधेयक पारित होने के बावजूद जातिवादी सवर्ण हिंदुओं ने अछूतों को सार्वजनिक तालाबों और कुओं से पानी नहीं पीने दिया। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, बल्कि अपने अधिकारों को छीनना पड़ता है। बंबई विधानमंडल से तो अछूतों को सार्वजनिक जगहों से पानी पीने का हक तो मिल गया था, लेकिन ब्राह्मणवादियों ने उन्हें पानी को छूने तक भी नहीं दिया था। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी अधिकार मांगने की जगह अपने अधिकार को छीनने के लिए निकल पड़े। अछूतों के अधिकारों को छीन लेने का समय अब आ गया था। ये सोचकर डॉक्टर अंबेडकर ने अपने सहयोगियों के साथ 19-20 मार्च 1927 को महाड़ के चवदार तालाब को मुक्त कराने के लिए सत्याग्रह करने का फैसला किया। इसके लिए महाड़ के वीरेश्वर थिएटर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में करीब 5,000 महिला और पुरुष इस सत्याग्रह के लिए शामिल होने आए थे। महाड़ कूच करने से पहले बाबा साहेब ने कहा था, 3 चीजों को तुम्हें छोड़ना होगा। उन कथित गंदे पेशों को छोड़ना होगा जिनके कारण तुम पर लांछन लगाए जाते हैं। दूसरा काम ये करना होगा कि मरे हुए जानवरों का मांस खाने की परंपरा को भी छोड़ना होगा। और सबसे अहम और तीसरी बात यह है कि तुम्हें उस मानसिकता से मुक्त होना होगा कि तुम अछूत हो। उन्होंने पीने के पानी पर सबके समान हक की बात दोहराते हुए कहा, क्या यहाँ हम इसलिए आए हैं कि हमें पीने के लिए पानी मयसर नहीं होता? क्या यहाँ हम इसलिए आए हैं कि यहाँ के जायकेदार कहलाने वाले पानी के हम प्यासे हैं? नहीं, दरअसल इंसान होने का हमारा हक जताने हम यहाँ आए हैं। 20 मार्च की सुबह बाबा साहेब की अगुवाई में लगभग 5,000 लोग शांतिपूर्ण तरीके से चवदार तालाब की ओर बढ़े। सभी लोग नारे लगा रहे थे, समानता की जय, शिवाजी महाराज की जय। सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर तालाब की सीढ़ियों से उतरे। सबसे पहले बाबा साहेब ने पानी में हाथ डाला और एक अंजलि भरकर पानी निकाला और उन्होंने कहा, इस पानी को पीने से हम अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन इससे ये साबित होगा कि हम भी इंसान हैं।
इसके बाद उन्होंने अपनी पानी की घूंट भरी और फिर सभी लोगों ने पानी पी लिया। भारत के इतिहास में ये पहली घटना थी जब अछूतों ने सार्वजनिक तालाबों से पानी पिया था। यह अछूतों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। वसुधैव कुटुंबकम, सनातनी परंपरा और कभी विश्व गुरु होने की दुहाई देने वाला भारतीय समाज असल मायनों में असंख्य जातियों और वर्गों में बटा हुआ है। ब्राह्मणवादियों ने अपनी मक्कारी से समाज के सबसे दबे कुचले वर्गों को पानी जैसी बुनियादी चीज से भी वंचित कर दिया, लेकिन बाबा साहब जैसे महानायक ने मनुवादियों को उनके गढ़ में जाकर सीधी चुनौती दी। बाबा साहब ने भी पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों का नेतृत्व करते हुए अपने अधिकारों की मांग की थी। ये एक प्रकार से सवर्णों के खिलाफ बड़ा विद्रोह था। महान सत्याग्रह दास्ता और गुलामी को तोड़ने की शुरुआत थी, लेकिन बौखलाए हिंदू अछूतों के साहस को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अफवाह फैलाई गई कि चवदार तालाब को अपवित्र करने के बाद अछूतों की ये टोली वीरेश्वर मंदिर में भी दाखिल होने वाली है। जातिवादी सवर्णों ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ आए लोगों पर लाठियों से बुरी तरह हमला कर दिया। महिलाओं से लेकर बच्चे और बुजुर्गों तक पर जातिवादियों का कहर बुरी तरह टूटा। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंसा का रास्ता अपनाने से मना किया। उन्होंने अपने लोगों को किसी तरह शांत रखा। इस हमले में बहुत से लोग घायल हो गए। बाबा साहब ने मनुवाद की गर्भनाल को ही काट दिया था, जिससे मनुवादी बुरी तरह बौखला गए थे। सवर्णों ने अछूतों के छूने से अपवित्र हुए चवदार तालाब का शुद्धिकरण करने के लिए गोबर और गोमूत्र को तालाब में डलवाया और मंत्रों के जरिए तालाब को शुद्ध करने का ढोंग किया। घटिया पने की हद देखिए, ये लोग तालाब में गोमूत्र डाल रहे थे, गाय के मूत को पी रहे थे, लेकिन किसी दलित का छुआ पानी इनके हलक में अटक जाता था। महान सत्याग्रह को करीब 100 साल बीत गए हैं, लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके अंदर जाति के वायरस ने संक्रमण फैलाया हुआ है। वो जाति के वायरस से पीड़ित हैं। वो आज भी गाय का मूत तो शौक से पी लेते हैं, लेकिन अगर कोई दलित उन्हें छू ले या पानी को छू ले तो उनकी जान हलक में आ जाती है। ऐसे घटिया लोग आज भी अपने आप को जन्म के आधार पर ऊंचा और दूसरों को नीचा मानते हैं। इस घटिया सोच से जबरदस्त टक्कर लेने के बाद बाबा साहेब ने आखिरकार हमें पानी पीने का अधिकार दिलवा ही दिया। 20 मार्च की घटना के बाद सवर्णों ने तालाब पर फिर से कब्जा कर लिया। इसके जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने फिर से 25 दिसंबर को सत्याग्रह की योजना बनाई। महान सत्याग्रह के दूसरे चरण को सफल बनाने के लिए जगह जगह सम्मेलन किए गए। इसी कड़ी में बंबई में आयोजित एक सभा में 3 जुलाई 1927 को बाबा साहेब ने कहा था, सत्याग्रह का अर्थ लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई तलवार, बंदूकों, तोप या बम गोलों से नहीं करनी है, बल्कि हथियारों के बिना करनी है। जिस तरह पतु आखली, वैकोम जैसे स्थानों पर लोगों ने सत्याग्रह किया, उसी तरह महाड़ में हमें सत्याग्रह करना है। इस दौरान संभव है कि शांति भंग के नाम पर सरकार हमें जेल में डालने के लिए तैयार हो, इसलिए जेल जाने के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। सत्याग्रह के लिए हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो निर्भीक और स्वाभिमानी हो। अस्पृश्यता यह अपने देह पर लगा कलंक है और इसे मिटाने के लिए जो प्रतिबद्ध हैं, वही लोग सत्याग्रह के लिए अपने नाम दर्ज करवा दें। बाबा साहेब के बुलावे पर हजारों लोग फिर से सत्याग्रह के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन पुलिस ने हालात बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। मजबूरी में महान सत्याग्रह का दूसरा चरण रद्द करना पड़ा, लेकिन इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कानून का सहारा लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने बंबई हाई कोर्ट में करीब 10 साल तक ये लड़ाई लड़ी और आखिरकार 17 दिसंबर 1936 को अछूतों को चवदार तालाब में पानी पीने का कानूनी अधिकार मिल गया। हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि अब सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी पानी पी सकता है। अछूतों के लिए ये एक ऐतिहासिक जीत थी। डॉक्टर अंबेडकर पानी जैसी बुनियादी चीज के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उस समय के तमाम बुद्धिजीवी और समाज सुधारकों ने उनकी इस लड़ाई में कोई साथ नहीं दिया। शायद उन सवर्ण समाज सुधारकों के लिए इतनी बड़ी आबादी का पानी के लिए तरसना कोई बड़ी बात नहीं रही होगी।
यहां तक कि उस समय के मीडिया ने भी बाबा साहब और उनके आंदोलन के खिलाफ खुलकर जहर उगला। अछूतों के इस ऐतिहासिक विद्रोह के प्रति मीडिया ने कट्टर जातिवादी रुख अपनाया। तमाम अखबारों ने डॉक्टर अम्बेडकर के इस बागी तेवर के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिया। सनातनी हिंदुओं का एक समूह भाला नाम से अखबार निकालता था। उसने 28 मार्च को दलितों को चेतावनी देते हुए लिखा, आप लोग मंदिरों और जलाशयों को छूने की कोशिशें तुरंत बंद कर दो और अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम तुम लोगों को सबक सिखा देंगे। इसके जवाब में बाबा साहेब ने लिखा था, जो हमें सबक सिखाने की बात कर रहे हैं हम उनसे भी निपट लेंगे। महान सत्याग्रह डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन की एक निर्णायक घटना थी। उस आंदोलन के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन वंचितों के उद्धार के लिए लगा दिया। वो अपनी आखिरी सांस तक अपने असंख्य संतानों के लिए एक ऐसा भारत बनाने में जुटे रहे जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां समानता, न्याय और बंधुत्व की बात होती हो। आज मैं और आप जब मन चाहे पानी पी सकते हैं, जैसा चाहे वैसा पानी पी सकते हैं। आज हम 20 रुपए की पानी की बोतल से लेकर 200 रुपए तक की पानी की बोतल या उससे भी महंगी बोतल खरीदने के लायक हैं। लेकिन हमें इस लायक बनाने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसलिए हमारी हर घूट बाबा साहेब और उनके असंख्य सहयोगियों की अदम्य साहस और संघर्ष की कर्जदार है। इसलिए चौदार तालाब क्रांति दिवस पर पानी की घूट पीते हुए हमें बाबा साहब का शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए। ये घूट बाबा साहेब की कर्जदार है, इसलिए हमें थैंक यू बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जरूर कहना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है, इस चौदार तालाब क्रांति दिवस और इस कहानी महान सत्याग्रह के बारे में आपका क्या विचार है, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और पानी को बचाएं, क्योंकि पानी बहुत जरूरी है और पानी जो है वो बुनियादी चीज है। बाबा साहेब और उनके सहयोगियों ने बहुत मेहनत करके हमें पानी पीने का हक दिलाया है, इसलिए पानी को कंजर्व करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप दूसरे साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय भीम।